स्टैंड लेता है जो राइट टू द सेंटर है, तो उनका स्टैंड इतना ज्यादा अनरीजनेबल, इमोशनल और अग्रेसिव होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स जिस मुद्दे को लेकर वो चले हैं वो उसी को ही उसी को उल्टा सॉल्व कर देते हैं। एक एग्जांपल, पद्मावत का जब केस चला तो मैंने देखा कि हमारे सब साथ के भाई और में से काफी लोग अभी यहाँ उपस्थित भी होंगे, उनके मैंने ट्वीट्स देखे और फेसबुक पे उनके पोस्ट देखे, हर जगह दीपिका पादुकोण की फोटो ले ले करके जिस तरह की ट्रोलिंग की, तो उससे अल्टीमेटली इफेक्ट यही गया कि आप यहाँ पर किसी के जौहर की या रानी पद्मावती की संस्कृति और हमारे यहाँ नारियों का क्या सम्मान रहा है इस मुद्दे को लेके चले हैं, और खुद अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया पे ऐसे दिख रहे हैं कि आप वही आज एक आपके तो आप सामने एक नारी है, आप उसका भी जो यहाँ पर सम्मान नहीं कर पा रहे, और फिर वो नैरेटिव सेट हो जाता है कि देखो जितने राइट वाले हैं ये तो देखो ये तो नारी के सम्मान की बात शुरू करके खुद ही सोशल मीडिया पे जो है उसको कथुआ में भी यही हुआ कि अल्टीमेटली नैरेटिव ऐसा सेट हो जाता है कि नहीं आप एक लड़की रेप के प्रो में है, बशर्ते ये कि आप एक काउंटर नैरेटिव सेट करें। आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया है, आपने तीन शब्द यूज किए, अनरीजनेबल, इमोशनल और एग्रेसिव। मैं केवल पहले वाले से सहमत नहीं हूँ, इमोशनल और एग्रेसिव से सहमत हूँ, और इमोशनल और एग्रेसिव में ही कई बार हमसे चूक हो जाती है। देखिए अनरीजनेबल होंगे तब तो जाएंगे नहीं उस विषय को, आपको कहने छोड़े आप मुझे कहने लगे मैं लेफ्ट राइट में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जितना मेरा अध्ययन है लेफ्ट राइट उसमें मैं ये बात बता सकता हूँ कि राइट में आपको घोड़े की तरह नहीं लगा दिया गया कि तुझे एक ही दिशा में देखना है, इसलिए आप सब लोग अपने अपने दिमाग में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग फिल्म पसंद करने वाले हैं वो पद्मावत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कई लोग इतिहास में राजपूतों के योगदान पे जो अलग तरह का वो पढ़ के आए हैं वो उस नैरेटिव से भी सहमत हो जाते हैं जो भेट के जाने की कोशिश की गई थी कि राजपूत राजा ने प्रदेश के लिए किया था। कई लोग जो और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो उसमें कई तरह की जो अलग अलग विचारधाराएं चलती होती है सब पे अपना विचार रखने लगते हैं, तो उनका जो एक बिल्ड करने की कोशिश है नैरेटिव फिल्म के खिलाफ या उस चीज के खिलाफ कि भाई सम्मान को लेके आप कुछ ऐसे अपशब्द या ऐसी चीजें ना दिखाए जिससे ठेस पहुंचे महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के सम्मान को वो ना करें, तो उसकी वजह क्या हो जाता है वो 5-7-10 हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि भाई आप सबको छूट है आप अपना अपना दिमाग लगा दो, और यही भी वही बात आ जाती है क्योंकि आप किसी के आईडी सेंटर नहीं हो तो आप अपने अपने दिमाग लगा के बात देखते हो, जब अपने अपने दिमाग लगा के बात देखते हो तो आपके अवधारणाएं अलग अलग हो सकती है, आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज पे तय रहना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, जो मैंने पहले कहा भाई साहब बोल रहे थे शुरू में जब मैं आया था कि भाई हम तो अपनी भाषा में लिखते हैं, देखिए मेरी भाषा घर में गाली देने की बात करनी ठीक है तो उसको मैं करता हूँ, घर में देता हूँ क्या नहीं देता, भाई के सामने दे देता होगा, बाप और माँ के सामने देता हूँ नहीं देता, तो सोशल मीडिया का माध्यम तो वो माध्यम है जहाँ माँ भी होगी जहाँ बाप भी होगा जहाँ भाई भी होगा जहाँ दोस्त भी होगा, तो मुझे बाप और माँ का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके लिए मैं इसको छोड़ दूँ कि ये भी अगर पढ़ लें तो उन्हें ये ना लगे कि यार लड़का ये क्या लिखा है, और अगर आप तथ्यों को स्टिक करेंगे आप मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप शिवानी सामने बैठी है इनको अंग्रेजी में गाली भी देनी होती है किसी को तो आप इनका पढ़िए जाके पढ़िए बड़े सलीके से, कुत्ता नहीं कहेंगे कुत्ता कह देती हूँ, डॉग का शब्द यूज नहीं करती है, स्वाइन का शब्द यूज नहीं करती, लेकिन सामने वाले को ये लग जाता है कि मुझे गाली दी और वो किसी अदालत में जाके शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे गाली दी, यही ड्यूटी है कि आप तथ्यों पर बात करें, आप गौरव जी को सुनिए, ठीक है कुछ केस जो अच्छे प्रवक्ता टेलीविजन पर आते हैं अगर उनमें आप मुझे देश चले होंगे तो मैं इनको भी रखता हूँ और मैं इनसे कहता हूँ आप अपने तथ्य को स्टिक करते हैं, आज का विषय ये है, आज हम इस विषय में बात करेंगे, ये आपने देखा कि मेरे 5 पॉइंट्स हैं, मुझे सामने वाले को स्पीक करना है, और मैं आपको बता दूं जो समझदार प्रवक्ता होता है या समझदार पक्ष रखने वाला होता है उसको पता होता है कि वो जो बात कहेगा उसका काउंटर क्या आने वाला है, तो उसके पास उसके बाद का भी काउंटर पहले से तैयार होता है क्योंकि वो उन सबका अध्ययन करके आया होता है, पढ़ क्या होता है सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं, इनके पार्टी के नेताओं ने कब कब इस बारे में कैसे कैसे बयान दिए थे, ये बाकी टीवी चैनलों पे इनके जिन प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं वहां इन्होंने क्या कहा, इनके बड़े नेताओं ने अगर कभी अखबार में कोई लेख लिखे तो क्या लिखे, या इनके जो फाउंडर्स थे वो इतिहास में क्या कहते हैं, आजादी के पहले उनकी सोच क्या थी, सारा तथ्य लिख रहा हूँ,
और यही युति है। इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते नहीं है, कहीं कहीं किसी दिन फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से में आके चिड़ के खींच के डेबिट हो जाते हैं, और वही आपकी प्रतियोगी को मौका मिल जाता है बताने का, यही है, यही इनका कल्चर है, यही। और अल्टीमेटली आप अपना मुद्दा छोड़ के अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पढ़ते हैं मजबूर है, और हमारा सब कुछ बर्बाद होता है। रोहित जी की बात सुन के ये तो लगा कि आज का दौर जी जिससे ये हैं वो लगभग इस लगभग इस मानसिक में है कि सोशल मीडिया का उपयोग करना, ये बड़ी विधायक बात है। आप अपना अपनी रेंज जब भेजेंगे सो भेजेंगे, भाई हमारा कोई आदमी तो प्लेटफॉर्म पहले से बैठा है, एक उपयोग कोई सिस्टम बनाइए, इनका उपयोग कीजिए, ये आपके दाएं बाएं हाथ में।